लोग कीचड़ से इसलिए बचकर चलते हैं कि कहीं उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं, लेकिन कीचड़ को अहंकार हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति लालच करता है तो वो धन तो प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन मृत्यु के दर्शन अवश्य कर लेता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूं। एक बार तीन मित्र थे और तीनों एक महात्मा के पास गए और बोले कि स्वामी, हम जो है मृत्यु का दर्शन करना चाहते हैं। अब ऐसी इच्छा उन्हें व्यक्त तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया। तब महात्मा ने कहा कि सामने एक गुफा है, तुम तीनों उसमें जाओ, वहां तुम्हें मृत्यु के दर्शन हो जाएंगे। वो तीनों बहुत ही जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि मृत्यु तो नहीं है, लेकिन सोने का ढेर लगा हुआ है। तब तीनों ने कहा कि चलो, मृत्यु के दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले ये सोना जो है ये अपने घर ले चलते हैं। विचार विमर्श करने के बाद एक ने कहा कि पहले ऐसा करो कि तुम दोनों पास के गांव से रोटी और जल ले आओ, इतने में सोने की रखवाली करता हूँ, फिर हम भोजन करके और घर चलेंगे। अब एक तो रखवाली करने बैठ गया और दो जो है पास के गांव में चले गए। थोड़ी देर में एक मित्र जो है खाना लेकर अंदर आया उस गुफा में। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, जो सोने की रखवाली कर रहा था उसने तलवार से उसकी हत्या कर दी। थोड़ी देर में दूसरा मित्र भी आ गया जल लेकर, तो उसने उसे भी मार दिया। अब वह बड़ा खुश हो गया कि अब सारा सोना मेरा है, लेकिन उसने सोचा चलो सोना बाद में लेके जाऊंगा, पहले आराम से भोजन कर लेता हूँ। उसने जैसे ही भोजन किया उसे चक्कर आने लग गए और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति खाना लेने गया था वो पहले से ही खाने में जहर मिलाकर लाया था। उसने भी यही सोचा था कि मैं उन दोनों को मार दूंगा और स्वयं सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो कि तीनों में से सोना किसी को नहीं मिला, लेकिन मृत्यु के दर्शन तीनों ने कर लिए। इसलिए बेटा, जीवन में कभी लालच मत करो। भगवान ने जो भाग्य में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बस परिश्रम जो है दिन रात करते रहो। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।